Welcome once again, dear friends. Once again, I am appreciating you that you have visited this channel, and this is the one mark question on Indian economy. It is the first chapter, the second part of the first chapter, that is on the eve of independence. So, make it mark this question for jo ki board examinations or pre board ke liye humne plan kiya hua hai, uske liye एक मार्क का क्वेश्चन, क्योंकि बूंद बूंद कर भरा भरता है और एक एक मार्क अगर हम पकड़ते जाएँ तो इससे लॉन्ग आंसर भी कवर हो जाएंगे और वन मार्क का स्पेसिफिक जो है आंसर जब बच्चे नहीं लिखते हैं तो मार्क्स नहीं मिलते हैं, इसलिए मैंने वन मार्क्स को मैंने फोकस किया। तो चलते हैं इस सीरीज के दूसरे वीडियो के साथ, आपका स्वागत है। फर्स्ट क्वेश्चन, विच रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट एडवर्सली अफेक्टेड the structure, composition and volume of India's foreign trade. Which restrictive policies pursued by the colonial government adversely affected the structure, composition and volume of India's foreign trade? And the answer is, the restrictive policies of commodity, production, trade and tariff pursued by the colonial government adversely affected the structure, composition and volume of India's foreign trade. मतलब जो restrictive policies उन्होंने लगाई थी वो मतलब वस्तुओं के प्रोडक्शन के ऊपर लगाई थी, ट्रेडिंग में लगाई थी और टैरिफ में, मतलब भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ बहुत ज़्यादा होता था और फॉरेन गुड्स पर फ्री ड्यूटी होती थी, कोई टैक्स नहीं होता था। तो इस तरह से जो भी पॉलिसी है, प्रोडक्शन के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था, कितना किस क्वान्टिटी में प्रोडक्शन करेंगे, तो इस सब चीज़ों के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन था इसका बहुत बड़ा असर पड़ा हमारे ट्रेड के ऊपर, उसके स्ट्रक्चर पर, कंपोजिशन और वॉल्यूम, ये तीनों चीज़ों को बहुत जबरदस्त असर पड़ा, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, इंडिकेट द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। इंडिकेट द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। तो इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स सच एज रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, sugar, indigo, jute, etc. and it became the importer of finished consumer goods like cotton, silk and woolen clothes and capital goods like light machinery produced in the factories of Britain. ये सारी चीज़ें कहने का मतलब कि आप कच्चा माल यहाँ से जाता था और पका हुआ माल, मतलब finished goods यहाँ आता था। जैसे मान लें फॉर एग्जाम्पल कॉटन यहाँ से गया है, वहाँ से कपड़ा बनकर आया, तो इससे क्या होता था कि पाँच रुपये का कॉटन, मान ली एग्जाम्पल ले रहा हूँ, पाँच रुपये का कॉटन और पाँच सौ रुपये का क्लोथ, तो भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट तो ऐसे ही प्रभाव खराब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। इंडियाज फॉरेन ट्रेड वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन एंड विद अ फ्यू अदर कंट्रीज लाइक चाइना, सिलोन, श्रीलंका एंड पर्सिया, ईरान। इंडियाज फॉरेन ट्रेड वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन एंड विद अ फ्यू अदर कंट्रीज, मतलब ज़्यादातर ज़्यादा ज़्यादा हम ब्रिटेन से व्यापार कर सकते थे और बाकी दूसरों से बहुत रिस्ट्रिक्टिव अमाउंट में व्यापार करने की हमको छूट थी। ये बहुत बड़ा जो डायरेक्शन था, ये फोर्स डायरेक्शन था, इस तरह की परिस्थितियाँ क्रिएट की गई उस समय। वाई डिड द एक्सपोर्ट सरप्लस नॉट रिजल्ट इन एनी फ्लो ऑफ गोल्ड और सिल्वर इन टू इंडिया? Why did the export surplus not result in any flow of gold or silver into India? तो इसका आंसर बहुत ही खूबसूरत आंसर है। The export surplus did not result in any flow of gold or silver into India, as this was used to make payments for the expenses incurred by an office set up by the colonial government in Britain, expenses on war and the import of invisible items, all of these lead to the drain of Indian wealth. जिसको ज़्यादा वैनोजी ने बताया था, drain of Indian wealth, मतलब भारत पर शासन करें तो सोल्जर्स पर जो खर्चे होंगे भारत देगा, वो कोई ऑफिस खोलें ब्रिटेन में उसका खर्चा भारत से होगा, ठीक है। तो इस तरह से जितना भी, और यही नहीं, यहाँ से जो ऑफिसर्स सर्विस करने के बाद रिटायर होने के बाद इंग्लैंड वापस आते थे तो उनका रिटायरमेंट का जो बेनिफिट्स है, पेंशन है, वो सारा कुछ भारत के खर्चे पहुंचा था। तो इस तरह की स्थितियाँ उन्होंने बनाई थी, इसमें बड़े प्लानिंग के साथ भारत को बेवकूफ़ बनाया गया था और इसका प्रभाव ये हुआ कि
भारत पर बोझ बढ़ता ही जाएगा, इसलिए भारत पर गोल्ड वगैरह का एक्युमुलेशन नहीं हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेन वॉज द इंडियाज फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस ऑपरेशन अंडरटेकन, कब किया गया था? 1881, दैट्स ऑल। विच इज रिगार्डेड एज अ डिफाइनिंग ईयर टू मार्क द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन फ्रॉम इट्स फर्स्ट टू द सेकेंड डिसिसिव स्टेज। ओके, तो विच इज रिगार्डेड एज अ डिफाइनिंग ईयर, डिफाइनिंग ईयर टू मार्क द डेमोग्राफिक, डेमोग्राफी इज अ साइंस विच स्टडीज अबाउट द पॉपुलेशन ट्रांजिशन फ्रॉम इट्स फर्स्ट टू द सेकेंड डिसिसिव स्टेज। तो 1921 को वॉज रिगार्डेड एज डिफाइनिंग ईयर टू मार्क द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन फ्रॉम इट्स फर्स्ट टू द सेकेंड डिसिसिव स्टेज। थर्ड, वॉट वॉज द लिटरेसी रेट इन इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, सो क्या थी? तो इसमें हम कह सकते हैं कि ओवरऑल लिटरेसी जो लेवल था वॉज लेस देन 16%, आउट ऑफ दिस द फीमेल लिटरेसी लेवल वॉज अबाउट 7% ओनली, 16 टोटल और 7 फीमेल। आप इस सोच सकते हैं कि अंग्रेजों ने कितना देश का भला किया था, और कुछ लोग बहुत तारीफ करते हैं अंग्रेजों की, ऐसे लोग गद्दार ही कह जा सकते हैं। वट वॉज द लिटरेसी रेट इन इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, वो क्या था कॉलोनियल पीरियड में लिटरेसी रेट? तो ये जो हमने जस्ट मैंने बताया 16 और 7। हाउ वॉज द ओवरऑल मॉर्टलिटी रेट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? क्वाइट अलार्मिंग। हाउ वॉज द ओवरऑल मॉर्टलिटी रेट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? वॉज क्वाइट अलार्मिंग। तो द ओवरऑल मॉर्टलिटी रेट वॉज वेरी हाई, एंड इन दैट पर्टिकुलरली द इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट वॉज क्वाइट अलार्मिंग, अबाउट 218 per 1000, 218 बच्चे मर जाते थे 1000 पर, बहुत ही अलार्मिंग था। हमारा अगला क्वेश्चन है, डिफाइन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन करेंगे? द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्संस अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स, द एग्रीकल्चर सेक्टर, द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड द सर्विस सेक्टर। सो दिस इज द कंप्लीट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड? ओके, विच सेक्टर ऑफ इंडियन इकॉनमी अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर, ठीक है, लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्क फोर्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड? ओके, किस सेक्टर में सबसे अधिक फोर्स था, वर्क फोर्स था? द एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्क फोर्स विच यूजली रिमेन्ड एट अ हाई ऑफ 70-75%, 70-75%। विच सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी अकाउंटेड फॉर द लिस्ट शेयर ऑफ वर्क फोर्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड? सो द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अकाउंटेड फॉर द लिस्ट शेयर ऑफ वर्क फोर्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड ओनली 10%, क्योंकि अगर इसको बढ़ावा देते तो अंग्रेजों का प्रोडक्ट यहाँ सेल नहीं पाता, इसलिए अंग्रेजों ने इस पर इसको बहुत दबा कर रखा, इसको बहुत सप्रेस कर रखा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिड डेवलप अंडर द कॉलोनियल रिजीम? रेलवे, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ। सो दैट रेलवे से क्या होगा कि यहाँ से कच्चा माल लेके जाते, पोर्ट्स को डेवलप किया क्योंकि पोर्ट्स के माध्यम से इनको शिपमेंट होता, वाटर ट्रांसपोर्ट का भी उद्देश्य था और उनकी नेवी भी स्ट्रांग थी इसलिए वाटर ट्रांसपोर्ट का उन्होंने यूज़ किया सैनिकों को लाने ले जाने में, पोस्ट का और टेलीग्राफ का भी यही यूज था जिसमें वो तुरंत मैसेज अगर कहीं रिवोल्ट की स्थिति आए तो तुरंत अपने ट्रूप्स को भेज सकें। तो कुल मिला के उन्होंने उस चीज को डेवलप किया जिससे भारत का एक्सप्लॉयटेशन फास्ट हो सके, थैंक्स टू दोज थिंकिंग दैट द ब्रिटिश डिड लॉट ऑफ थिंग फॉर इंडिया। सेम, व्हाट वाज द रियल मोटिव ऑफ द ब्रिटिश बिहाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया? द रियल मोटिव ऑफ द ब्रिटिश बिहाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया वॉज टू सबवर्सिव वेरियस सबसर्व वेरियस कॉलोनियल इंटरेस्ट एंड नॉट टू प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज टू द पीपल। द रियल मोटिव ऑफ द ब्रिटिश बिहाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया वॉज टू सबसर्व वेरियस कॉलोनियल इंटरेस्ट, मतलब जो कॉलोनियल इंटरेस्ट था उसको मजबूती प्रदान करना, उसको सपोर्ट करना, एंड नॉट टू प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज टू द पीपल, लोगों को बेसिक जो एमिनिटीज थे उसको प्रोवाइड करने की कोई इच्छा नहीं थी। वट वर द मेन पर्पज ऑफ द ब्रिटिश बिहाइंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल वेदर रोड्स इन इंडिया? हाँ, ऑल वेदर रोड इसलिए क्योंकि मोबिलाइजेशन ऑफ द आर्मी विद इन इंडिया, ऑल वेदर रोड मतलब हर अच्छी सड़कें बनाएंगे तो उनकी आर्मी आसानी से जा सकती है, ये एकमात्र उद्देश्य था।
When did the British introduce the railways in India? When did the British introduce the railways in India? तो ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवेज इन इंडिया इन 1850। ठीक है, और इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक पॉइंट मैं छूट गया था, व्हाट वर द मेन पर्पस ऑफ द ब्रिटिश बिहाइंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल वेदर रोड्स इन इंडिया। इसका एक दो पॉइंट मैं एक बार फिर इसको रिपीट कर देता हूँ कि मोबिलाइजेशन ऑफ द आर्मी विद इन इंडिया और ड्राइंग आउट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द कंट्री साइड टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और द पोर्ट टू सेंड दिस टू इंग्लैंड और अदर फॉरन डेस्टिनेशन। कुल मिला के ट्रूप्स के लिए और रॉ मटेरियल, यही इनका दो मुख्य किस्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवे इन इंडिया, तो इट वाज इन 1850s। हाँ, 1850s में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवे इन इंडिया इन 1850s। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द ब्रिटिश बिहाइंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन इंडिया, मतलब इतना कॉस्टली सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने का पर्पस क्या था। इसका पर्पस था द इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ द इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन इंडिया सर्व द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। तो ये हमारा ये क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो था वो हमने किया। अब इसका अंत मैं यही करता हूँ, इसके बाद फिर मैं एक सेट के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।